रियलिटी शो इंडियाज रॉ स्टार के फिनाले के दौरान एक्ट्रेस एंड होस्ट गौहर खान को एक दर्शक ने थप्पड़ जड़ दिया था। दरअसल जिसके बाद गौहर से एमसी गई थी, लेकिन इस बदसलूकी के बाद गौहर खान पहली बार कैमरे के सामने नजर आई, जहां उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि अब उन्हें अनजान लोगों की मौजूदगी से डर लगता है, लेकिन उनका हौसला कम नहीं हुआ है। आपको बता दें कि एक इंटरव्यू के दौरान गौहर ने कहा कि शुरुआत में भीड़ से उन्हें डर लग रहा था और मैं अनसिक्योर महसूस कर रही थी, मुझे लगा था कि मैं स्टेज पर सेफ नहीं हूं, लेकिन उस आदमी ने मुझ पर आसानी से हमला कर दिया। जब लोगों ने उसे पकड़ लिया था तो मैं परेशान होकर बैठ गई, मेरा चेहरा जल रहा था, मैंने अपने आप से पूछा कि इस इंसान ने मुझे क्यों मारा। फिलहाल गौहर के अनुसार उन्होंने उस शख्स से कभी बात नहीं की थी, लेकिन वो इस तरह से स्टेज पर चढ़कर थप्पड़ कैसे मार सकता है। गौहर ने ये भी बताया कि कपड़ों को लेकर कभी भी लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन कोई हिंसा पर कैसे उतर सकता है। बहरहाल गौहर ने शख्स को माफ करने से भी इनकार कर दिया है। गौहर ने आगे बताया कि स्टार प्लस ने मुझे काफी सपोर्ट किया है और आगे भी उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए पायल गुडियाल की रिपोर्ट।